सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिट करने वाले हैं, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस टाइप की फ़ोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले तो आपको वीडियो में एंड तक बनना होगा, क्योंकि जो भी बताया हूँ स्टेप बाई स्टेप बताया हूँ। और मेरे भाई, अगर आप बहुत सारे यूट्यूबर का वीडियो देख के थक चुके हैं ना, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो में ना आपको 100% गारंटी के साथ इस टाइप की फ़ोटो एडिट करना सिखा दिया जाएगा। तो चलिए मेरे भाई, बिना किसी बकवास के इस वीडियो को वहीं से स्टार्ट करते हैं। एंड मेरे भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। तो सबसे पहले मेरे भाई, क्या करना है, अपना ओरिजिनल फ़ोटो को ले लेना है। और इस ओरिजिनल फ़ोटो को क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर देना है, ठीक है ना। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन हो जाने के बाद मेरे भाई, सबसे पहला काम आपको यहाँ टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। एंड टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, यहाँ एडजस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। एडजस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, सबसे पहले आपको ब्राइटनेस को थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा लेना है, और यहाँ सेचुरेशन को भी थोड़ा सा आपको कम करना है, शेडो को थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, यहाँ से आपको डन कर देना है। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। एंड टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से एडजस्ट के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ क्लियरिटी हुआ, क्लियरिटी के ऊपर क्लिक करके इसका क्लियरिटी थोड़ा सा इतना पे बढ़ा देंगे, 21% रख देंगे, डन। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, यहाँ से इसको क्या करेंगे, हम डन कर देंगे। उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, यहाँ से स्क्रॉल करके जाना है, स्क्रॉल करके जाना है। तो यहाँ ड्रा वाला ऑप्शन होगा, ड्रा वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ ऊपर थ्री डॉट का ऑप्शन होगा, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके मेरे भाई यहाँ सेव कर लेना है, इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेना है मेरे भाई। यहाँ से सेव होने के बाद मेरे भाई, इस फोटो को क्या करना है, डायरेक्ट गैलरी में ओपन करना है, ओके। तो गैलरी में ओपन करने के बाद मेरे भाई, सबसे पहला क्या काम होता है मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहला काम होता है मेरे भाई कि अपने फेस को हम कैसे बनाएँ। तो मेरे भाई, आप लोग फेस मतलब अच्छे तरीके से अगर नहीं बना पाते हैं, तो इस वीडियो में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा कि अपने फेस को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ यार, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से आप लोग वॉच कीजिएगा। और उम्मीद यही रहेगा मेरे भाई कि मैं आप सबको ना बारीकी से समझाऊँ, ओके। ऐसा नहीं कि मैं आपको छोड़ छाड़ के वैसे करके सिखाऊँ इधर उधर से, मैं कोशिश करता हूँ मेरे भाई इतना आसान स्टेप में आप सबको सिखा दूँ, बस यही मेरा काम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, इस फोटो को आपको यहाँ से डायरेक्ट ना आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर एक एप्लीकेशन आ जाएगा स्नैपशीट। तो स्नैपशीट एप्लीकेशन में इस फोटो को आपको शेयर कर देना होगा। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। एंड टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, यहाँ सेलेक्टी का ऑप्शन होगा, तो मेरे भाई सेलेक्टी वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्टी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ से आपको थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ा देना होगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो देख लीजिए, यहाँ पर हम अपने ब्राइटनेस को बढ़ा चुके हैं। उसके बाद मेरे भाई, फिर से यहाँ टूल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, यहाँ देखिए आपको एक टून इमेज का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे भाई, टून इमेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड टून इमेज के ऊपर क्लिक करके इसका ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाना है, और ऐसे आपको स्क्रॉल करके जाना है, और इसका सैचुरेशन को आपको थोड़ा सा बढ़ाना है। उसके बाद स्क्रॉल करके जाना है, इसका एम्बेनियस को थोड़ा सा बढ़ाना है। इतना काम कर लेने के बाद मेरे भाई, यहाँ से आपको फाइनली डन कर देना है। उसके बाद मेरे भाई, फिर से यहाँ से आपको टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। एंड टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, अब की बार क्या करना है ना, आपको ये वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान से देख लीजिए मेरे भाई, इस ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद मेरे भाई, सबसे पहले आपको तो यहाँ देखिए लास्ट वाले ब्रश को आपको सिलेक्ट करना है। सबसे लास्ट वाले ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद अपने लिप के ऊपर कलर को थोड़ा अच्छे तरीके से आप अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई, यहाँ से आप डन कर दीजिएगा। इतना काम हो जाने के बाद फिर से आपको टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। एंड टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ एक आपको डिटेल का ऑप्शन दिख जाएगा। तो मेरे भाई, यहाँ डिटेल के ऊपर आपको क्लिक करना है, और इसका शार्पनेस को इतना पे बढ़ा देना है। उसके बाद मेरे भाई, यहाँ से आपको यहाँ से इसको डन कर देना है। बस मेरे भाई, इतना काम हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ना बिफोर एंड आफ्टर देख लेना है, पहले और अब में देख लीजिए कितना ज़्यादा फर्क आ चुका है। उसके बाद ना मेरे भाई, आपको ना यहाँ से इस फोटो को डायरेक्ट लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर देना है।
तो यहाँ से देखिए मेरे भाई हमारा फोटो इंपोर्ट हो रहा है लाइटरूम एप्लीकेशन में, ठीक है ना। लाइटरूम एप्लीकेशन में आने के बाद ऑल फोटो पे आना है मेरे भाई। मैं ना आप सभी को एक प्रीसेट दूंगा, ठीक है ना मेरे भाई, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वाला प्रीसेट को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे भाई, और डाउनलोड करने के बाद क्या प्रोसेस है मैं बता रहा हूँ, सेम टू सेम वही फॉलो कीजिएगा। इस वाले प्रीसेट को लेने के बाद मेरे भाई सबसे पहले आपको यहाँ देखिए ऊपर के साइड थ्री डॉट का ऑप्शन होगा, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ कॉपी सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। कॉपी सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई सही के निशान पर क्लिक करके आपको टिक कर देना है। और मेरे भाई क्या काम है, अभी आप प्रीसेट को डाउनलोड करने के लिए मत चले जाइए मेरे भाई, देख लीजिए वीडियो में क्या चीज़ हम बताए हैं, उस चीज़ को पहले आप लोग फॉलो कर लीजिए, उसके बाद जाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, जिसको हम ऑप्शन बटन बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पेस्ट करना है मेरे भाई, जैसे ही पेस्ट करेंगे वन क्लिक में कुछ इस तरीके से हमारा फ़ोटो दिखने लगेगा। लेकिन मेरे भाई देख लीजिए अभी वो कलर भी नहीं बना है और कुछ मतलब बहुत कुछ इसमें बाकी अभी अच्छे तरीके से कुछ नहीं हुआ है। तो अच्छे तरीके से करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इस फोटो को डायरेक्ट यहाँ से आपको ना शेयर करना है, कहाँ पे, तो स्नैपसीड एप्लीकेशन में। स्नैपसीड एप्लीकेशन में आ जाने के बाद ना मेरे भाई यहाँ पर आप अपने थोड़ा सा कपड़े को कलर ग्रेडिंग कर लीजिएगा। कलर ग्रेडिंग करने के लिए टूल्स के ऊपर क्लिक करना, और यहाँ देखिए आपको एक कवर्स का ऑप्शन आएगा, तो मेरे भाई कवर्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक स्पीड का जैसा ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है और ग्रीन कलर को ऊपर के साइड यहाँ से करके ग्रीन कलर सेलेक्ट रहेगा, ऊपर के साइड खींच के और डन करना है। तो कुछ इस तरीके से हमारा बेकार हो जाएगा फ़ोटो, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर है जो कि एडजस्ट हो सकता है। तो इसके ऊपर क्लिक करके मेरे भाई यहाँ एक व्यू एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, देख लीजिएगा ध्यान से, आप व्यू एडिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा मेरे भाई। और उसके बाद यहाँ कवर्स का ऑप्शन होगा, तो कवर्स के ऊपर क्लिक करके मेरे भाई यहाँ एक ब्रश होगा, ब्रश के ऊपर क्लिक करके आपको ना इधर का पार्ट ग्रीन कलर से चला लेना है, देख लीजिए मेरे भाई। अच्छे तरीके से मेरे भाई आप भी अप्लाई कर लीजिएगा अपने फ़ोटो के ऊपर, या कि कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। और आराम आराम से कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि जितना आप आराम से करते हैं ना उतना बेस्ट रहेगा, मतलब आपको इधर उधर चलेगा, मतलब चलेगा तो बेकार लगेगा, आप सबको पता ही होगा मेरे भाई। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपने सिर्फ कलर मतलब कपड़े के ऊपर ही चले, इधर उधर चलेगा तो बेकार हो जाएगा मेरे भाई। इतना काम होने के बाद मेरे भाई यहाँ से डन करना, उसके बाद बैग जाना है। और आप चाहे तो मेरे भाई सेम प्रोसेस करके यहाँ टूल्स के ऊपर क्लिक करके और यहाँ कवर्स के ऊपर क्लिक करके या फिर स्पीड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको ब्लू कलर सेलेक्ट करके आप चाहे तो इधर का कलर ब्लू कर सकते हैं। तो मैं मेरे भाई अभी नहीं करूँगा इसको, और इसको यहाँ से कट कर दूँगा। अब मेरे भाई क्या काम करना है मेरे को, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ टूल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ देखिए एक सेलेप्टी का ऑप्शन होगा, ये तो पता ही होगा मेरे भाई, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ। इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके मेरे भाई जहाँ पर भी आपको ब्लैक दिख रहा है यहाँ पर इसको ब्राइटनेस बढ़ा देना है। जहाँ भी आपको ऐसे लग रहा है मेरे भाई ब्लैक पार्ट है, उधर आप ऐसे करके सेलेक्ट करके ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं इजीली। मेरे भाई देख लीजिए मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए मेरे भाई, इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बिफोर एंड आफ्टर देख लेना है। उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, इस फोटो को ना डायरेक्ट यहाँ से शेयर करना है ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में। ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में आने के बाद मेरे भाई यहाँ देखिए आपको लाइब्रेरी में आ जाना है, और लाइब्रेरी में आने के बाद मेरे भाई ये वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है और सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। और मेरे भाई बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं ना कि ये वाला ब्रश मेरे में काम नहीं करता है, तो मेरे भाई काम कैसे करेगा, आप लोग यहाँ पर तो ध्यान ही नहीं देते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई आपको यहाँ स्मूथ रहना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिए मेरे भाई स्मूथ रहना चाहिए। उसके बाद मेरे भाई आपको ना यहाँ से आपको अप्लाई करना है, तो देखिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो कितने अच्छे तरीके से हमारा फेस स्मूथ हो रहा है। आपका भी फेस स्मूथ मेरे भाई कुछ इसी तरीके से होना स्टार्ट हो जाएगा, बस जैसे कि मैं चला रहा हूँ ना वैसे आप भी सेम टू सेम चलाइएगा, ठीक है ना मेरे भाई। देखिए मेरे भाई कितने अच्छे तरीके से हमारा फेस स्मूथ हो रहा है। तो मेरे भाई जैसे मैं चला रहा हूँ ना सेम टू सेम, आप भी अपने फेस के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई कर लीजिएगा, ध्यान रखिए। एकदम अच्छे तरीके से मेरा भाई अप्लाई कर लेना है, ठीक है ना।
देख लीजिए मेरे भाई, अभी मैं आप सबको डेमो के लिए ना इतना स्मूथ करके दिखा दिया, ठीक है ना। मान के चलिए यहाँ पर हमारा पूरा फुल स्मूथ हो जाएगा, आप लोग आराम आराम से कर लीजिएगा। अब मेरे भाई कलर ग्रेडिंग करना है कोई सा भी, तो आपको यहाँ से क्या करना है, इस मतलब ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करके आपको इस फोटो को ना डायरेक्ट आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आने के बाद मेरे भाई यहाँ इफेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है, और इफेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ कलर्स के ऊपर आ जाना है। कलर्स के ऊपर आने के बाद मेरे भाई यहाँ देखिए आप कलर रिफ्लेक्स, पीछे कलर रिफ्लेक्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा, पूरा फेस के ऊपर भी आ जाएगा। यहाँ इरेज के ऊपर क्लिक कीजिएगा मेरे भाई, और उसके बाद यहाँ आप बैकग्राउंड कर दीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से डन कीजिएगा। उसके बाद आपको जो कलर पसंद आए, देखिए मेरे भाई आपको ना जो कलर पसंद आए बैक में आप वो कलर रख सकते हैं। मेरे को ये कलर पसंद आया, मैं ये रख लिया। उसके बाद यहाँ से डन करना है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।